गुड मॉर्निंग किड्स, होप यू ऑल आर वेल। दिस इज योर कंप्यूटर क्लास एंड वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर 1, दैट इज कंप्यूटर, इट्स क्लासिफिकेशन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल डिवाइसेस। व्हाट इज मोबाइल डिवाइसेस? ए मोबाइल डिवाइस इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली ऑन मेमोरी इनसाइड इट और ऑन स्मॉल स्टोरेज मीडिया सच एज मेमोरी कार्ड। मेमोरी मोबाइल डिवाइस क्या होती है कि किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए जो कि उसके अंदर मेमोरी होती है उसमें हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। या तो इनसाइड बिल्ट मेमोरी होती है उसकी या फिर हम उसमें एक मेमोरी कार्ड जैसे एक डिवाइस होती है मेमोरी कार्ड उसको यूज़ करके हम डेटा परमानेंटली उसमें स्टोर कर सकते हैं। साइज इनफ स्मॉल इनफ टू कैरी इन अ बैग और पॉकेट। इतने स्मॉल होते हैं कि हम इसको एक बैग या पॉकेट में ही रख सकते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड एवरीवेयर। हम इसको हर जगह मिलते हैं, मीन्स हमारे पास है, एवरीवन सबके पास होते हैं। स्पीड ऑफ मोबाइल डिवाइस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। डे बाई डे इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू ए पर्सनल कंप्यूटर फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इसको हमें पर्सनल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, मीन्स उसमें मोबाइल से डेटा कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं और कंप्यूटर से अपने मोबाइल डिवाइस में भी। तो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन्स, ई बुक रीडर्स, स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल कैमरा एंड गेम कंसोल आर टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। फर्स्ट है हमारा टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी ये क्या होता है? एक फ़ोन की तरह ही होता है लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। टैबलेट पीसी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर विच हैज़ ए टच स्क्रीन। ये पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसमें क्या होती है आपकी टच स्क्रीन होती है कि आप स्क्रीन से ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ अ टैबलेट बाई टचिंग द स्क्रीन विद योर फिंगर और ए डिजिटल पेन। या तो आप उसको अपनी फिंगर से भी टच कर सकते हो या फिर यू कैन यूज़ अ डिजिटल पेन। नाउ आर डेज लेटेस्ट टैबलेट रिजेंबल स्मार्टफोन। जो हमारी टैबलेट आ रही है आजकल वो बिल्कुल स्मार्टफोन जैसे ही हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर आर लार्जर दैन स्मार्टफोन। जो हमारे स्मार्टफोन हैं उनसे जो साइज में बड़ी होती है, ओनली द डिफरेंस इज दैट। नेक्स्ट इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इज़ एन इंटरनेट इनेबल्ड फ़ोन जिसमें कि हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू बेसिक फ़ोन फैसिलिटीज इट अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव ई मेल मैसेजेस एंड एक्सेस टू द इंटरनेट। ये नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा इसमें हम ई मेल मैसेज भी सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो आपको इंटरनेट की सज देता है कि आप इसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। यूजली फॉर एन एडिशनल फीस कि आपको एक एडिशनल चार्ज या फीस लगती है उससे हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। मैनी स्मार्टफोन ऑल्सो फंक्शन एज ए मीडिया प्लेयर। मोस्टली फोन स्मार्टफोन्स हैं जो एज ए मीडिया प्लेयर, मीडिया मीन्स उसमें आप मल्टी मीडिया फाइल्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड इंक्लूड अ डिजिटल कैमरा, उसमें एक डिजिटल कैमरा होता है। यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स इमेजेस सो दैट यू कैन कैप्चर एन इमेज एंड शेयर इट विद अदर्स कि आप अपनी इमेज कैप्चर कर सकते हो और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो यूजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट इज ई बुक रीडर। एन ई बुक रीडर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बुक इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस दैट इज यूज्ड प्राइमरी फॉर रीडिंग ई बुक्स। कि कोई भी आपकी बुक है, ई बुक होती है जो कि आपके डिजिटल बुक है। एक तो आपकी हार्ड कॉपी पेपर पे होती है बुक, अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे रीड करनी है तो उसको हम ई बुक बोलते हैं। तो उसके लिए डिवाइस होती है ई बुक रीडर। तो ये बुक्स रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। ई बुक इज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ प्रिंटेड बुक, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे होती हैं रेदर देन अ पेपर। मोस्ट ई बुक रीडर हैव अ टच स्क्रीन एंड आर इंटरनेट इनेबल्ड। मोस्टली जो ई बुक रीडर होते हैं उसमें टच स्क्रीन होता है और इंटरनेट इनेबल्ड होता है, मीन्स उसमें इंटरनेट कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट वॉच। ए स्मार्ट वॉच इज ए मोबाइल डिवाइस विथ ए टच स्क्रीन डिस्प्ले, कि उसकी डिस्प्ले टच स्क्रीन होती है। आपने देखी होगी स्मार्ट वॉच इज़ अ मोबाइल डिवाइस विद ए टच स्क्रीन डिस्प्ले डिजाइन टू वर्न ऑन द विस्ट, कि इसको हम अपनी विस्ट पे पहन सकते हैं। इट कैन आइदर वर्क ऑन इट्स ऑन और पेड विद द स्मार्टफोन, या तो ये खुद भी वर्क करती है और हम इसको अपने स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन शो यू द टाइम, ट्रेस योर फिजिकल एक्टिविटीज़,
ये आपको टाइम भी बताती है एज वेल एज आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी ट्रेस करती है एंड शो नोटिफिकेशन लाइक मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स एंड सोशल नेटवर्क्स। अगर आपने इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट किया है तो इसमें आपके मैसेज, ईमेल्स या कॉल कोई भी फ़ोन पे आ रही है तो आपको डिजिटल वॉच में भी वो शो हो जाएगी। और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं कि आप कितने स्टेप काउंट जा रहे हो, आप कितने स्टेप चल रहे हो, कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है, अगर इसको टोटली एक्टिवेट करते हैं, हम अपडेट रखते हैं, तो ये हमारी टोटली फिजिकल एक्टिविटीज़ पे हमें डाटा प्रोवाइड करती है। और इसमें जो भी हमारे फ़ोन में मैसेज कॉल्स आते हैं उसका नोटिफिकेशन हमें अपनी रिस्ट वॉच या स्मार्ट वॉच में ही मिलता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। ए डिजिटल कैमरा इज़ ए मोबाइल डिवाइस दैट अलाउ यूज़र टू टेक पिक्चर्स एंड स्टोर फोटोग्राफ्ड इमेजेस डिजिटली। ये हमें पिक्चर क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं और उसको हम डिजिटली स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फिल्म के पहले जैसे फिल्म में फ़ोटो यूज़ करते थे वो नहीं है, डायरेक्ट हम डिजिटली उसमें फ़ोटो सेव करते हैं। आफ्टर टेकिंग द फोटोग्राफ यू कैन डाउनलोड अ कॉपी ऑफ द इमेज फ्रॉम द डिजिटल कैमरा टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर। हम डिजिटल कैमरा में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसको डायरेक्टली हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेम कंसोल। ये गेमिंग डिवाइस होती है। ए गेम कंसोल इज़ अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस डिजाइन फॉर सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स। ये क्या होती है, एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है जो सिंगल या मल्टीप्लेयर, मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा प्लेयर के लिए वीडियो गेम प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड गेम कंसोल यूज़र यूज ए हैंड हेल्ड कंट्रोलर एज एन इनपुट डिवाइस। उसमें एक हैंड हेल्ड कंट्रोलर मीन्स एज ए रिमोट एक डिवाइस यूज़ की जाती है। ए टेलीविज़न स्क्रीन एज एन आउटपुट डिवाइस, एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह एक आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं और इनपुट के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, जैसे आप बोल सकते हो कि वो रिमोट की तरह होती है जो आपके हैंड में है और आपको अपनी आउटपुट किस में दिख रही है, एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह। ऑप्टिकल डिस्क एंड मेमोरी कार्ड्स फॉर स्टोरेज, इसमें ऑप्टिकल डिस्क या फिर मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं हम स्टोरेज के लिए। थ्री पॉपुलर मॉडल्स आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स 360, निंटेंडो वाई एंड सोनी प्ले स्टेशन 4। ये तीन मेन पॉपुलर मॉडल्स हैं जो के यूज़ करते हैं एज ए गेम कंसोल।